हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी दुनिया का वो मुल्क जहाँ शादी के लिए तरस रही हैं औरतें। दोस्तों, दुनिया में हर कोई अपना लाइफ पार्टनर, अपना जीवन साथी पाने के लिए ख्वाहिश रखता है और उसके ख्वाब देखता है। जिन लोगों को उनका मनचाहा पार्टनर मिल जाता है, उनकी तो दुनिया ही बदल कर रह जाती है। दोस्तों, आजकल के इस दौर में हर कोई अपने पसंद का लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है। बहुत से लोग लव मैरिज कर रहे हैं आज के इस दौर में, और बहुत कम अरेंज मैरिजेस हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां पे औरतें अपने उम्र से काफी बड़े लोगों से शादी करती हैं, जो कि कोई और मुल्क नहीं, सीरिया ही वो मुल्क है जहां पर ऐसा काम होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी दो सिटीज के बारे में, ऐसी दो जगह के बारे में बताऊंगी जहां पे औरतें, लड़कियां अपने बराबर के मर्द को ढूंढने के लिए तरस रही हैं। यानी कि वो लड़कियां, वो औरतें अपने हम उम्र जीवन साथी को ढूंढने के लिए, उनसे शादी करने के लिए तरस रही हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस वक्त जो सीरिया में जंग चल रही है, उसका असर काफी उन लड़कियों पर पड़ रहा है। इस दुनिया में अपनी उम्र से दुगने मर्द के साथ रिलेशनशिप बनाने पर मजबूर हो गई हैं। दोस्तों, दरअसल सीरिया में चल रही वार की वजह से लोग बड़ी तादाद में अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। वहां पर ही इस मुल्क में नौजवानों को फौज में भर्ती किया जा रहा है। हाल ही में एक बात के बारे में पता चला है कि वहाँ की 70% खवातीन कवारी हैं, क्योंकि इन्हें शादी करने के लिए लड़के नहीं मिल रहे। आदमियों के लगातार फौज में भर्ती होने की वजह से इनकी मौत कसरत से हो रही है, जिसकी वजह से लड़कियों और औरतों को बूढ़े मर्दों को ही अपना हमसफर बनाना पड़ रहा है। यहाँ की औरतें अपनी उम्र से दुगने मर्दों के साथ बच्चे पैदा कर रही हैं। वहीं यहाँ के दहशतगर्द छोटी बच्चियों को उठाकर उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ये कैसा मुल्क है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे इंसान हैं, ये इंसान है भी है या नहीं है जो ऐसे काम कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगी ब्राजील के एक कस्बे नोविया के बारे में। दोस्तों, हर लड़की का ख्वाब होता है कि इसकी शादी बहुत ही अच्छी, बहुत ही धूमधाम से हो। हमारे मुल्क में किसी लड़की की शादी कराना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसी जगह के बारे में जहां लड़की की शादी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि यहां की लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि शादी ना होने की वजह क्या है। दोस्तों, ब्राजील का जो शहर है, जो कस्बा है, नुआवा कोर्डेरो, 20 से 35 साल की उम्र की औरतें आज भी लड़कों के इंतजार में बैठी हुई हैं। दोस्तों, ऐसी सैकड़ों लड़कियां हैं जो यहां शादी करने के लिए तरस रही हैं। यहां की लड़कियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और यहां का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहां पर लड़कों का ना होना है। यहां की लड़कियां शादी के ख्वाब देखती तो हैं, लेकिन वो ये कस्बा छोड़ना ही नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि जो भी इनसे शादी करे वो यहीं आकर बस जाए, यहीं आकर रहे, जिससे इन लोगों को ये कस्बा छोड़ना ना पड़े। यहाँ पर बहुत ही कम शादीशुदा मर्द हजरात रहते हैं, और जो कवारे लड़के हैं वो इन लड़कियों की उम्र से बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। दोस्तों, यहाँ इस कस्बे में खवातीन की ही हुकूमत चलती है, इन्हीं के बनाए गए नियम कायदे हैं जहाँ पर मर्दों को चलना पड़ता है। सो दोस्तों, ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी वीडियो। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आप लोग बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।